टू डिवी स्टार एक्सरसाइज 1.B का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। 1, 2, 3 हम कर लिए हैं, 1, 2, 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या बताना है, जो ये नंबर दिया है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, जिसके बारे में पूछा गया वही का वही नंबर। जैसे कि हम शीशे में खुद हम खड़े होते हैं तो हम ही नज़र आते हैं ना, कोई और तो नज़र नहीं ना आता है। वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दी है शीशे की, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि फेस वैल्यू जिसके बारे में पूछा गया वही आएगा। किसकी पूछी, 8 की, तो 8 की फेस वैल्यू वही। अब हम शीशे में खड़े हो जाएं, 8 को देखेंगे तो 8 ही नज़र आएगा, कोई और डिजिट नहीं आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे करनी है, जो जिसको हमने कलर करा है पहले तो वो लिख लेना, ठीक है। देन आफ्टर कितने डिजिट आए, 1, 2, तो 20, इट्स योर प्लेस वैल्यू। ऐसे आप फेस वैल्यू बतानी है इस नंबर की, तो इसमें फेस वैल्यू क्या है, 3692 की फेस वैल्यू क्या है, 3 की 3। अब प्लेस वैल्यू क्या आएगी, पहले हम 3 लिख देंगे, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, तो 30 डाल दो, 1, 2, 3, इट्स योर प्लेस वैल्यू। ऐसे 5 की तो क्या रहेगी, 5 रहेगी फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू 5 का है तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 5 का 5 अकेला रह जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें किसकी फेस वैल्यू बतानी है, इस नंबर में 4 की, तो 4 की तो 4 ही रहेगी। अब प्लेस वैल्यू क्या है, 4 लिख दिया, 4 के बाद कोई नंबर है, हाँ कितने, 1 ही नंबर है, तो वो उसकी 10 लग जाएगी। अब ये आपका ई और एफ पार्ट आपका क्या है, होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि इस नंबर को 1 by 1 लिखना। जैसे देखो बताती हूँ, लिखा 7, अब इसके बाद कितने चीज़ें, 1, 2, 3, तो 30 लग जानी है। अब किसकी टर्न है, 2 की, 2 लिख दिया, कितने डिजिट है, 1, 2, 2 डाल दी, ठीक है। अब 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट है, 1, 1 और 1, 1, इसको हम 1s, 10s, 100s, 1000s से भी बोल सकते हैं, यानी कि 7000s, दोनों वे मैंने बता दिए, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे 1s, 10s, 100s, 1000s, मैं इस वे से भी बता देती हूँ, 5000 तो 5000 बना दो, 200 है तो 200 लिख दो, 4 10s है तो 40 होता है, और 3 का 3, ठीक है। अब इस वे से फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या आ जाएगा, पहले 3 लिखा, 1, 2, 3, 3 डिजिट ला ली। अब क्या है, 1 की टर्न है, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 2, 0। ऐसे 6, 1 डिजिट है तो 1, और 5 का 5, ये तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 3000, 100, 6, 10, 60 हो जाएगा 5, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 7000, 600, 40, 5। 5 फेल से देखो, नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, इसको किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो मैं आपको एक बहुत इजी वे बताती हूँ, आपको प्लस करोगे तभी गलत हो जाएगा, नहीं तो मतलब इजी वे। देखो पहले लिखा 6, अब इसके साथ कितनी जीरो, 1, 2, 3, हम 3 डॉट्स लगा लेंगे, मतलब पहले नंबर के साथ जितनी भी जीरो हमने उसका डॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये इसका तो हो गया है, अब इसको देखेंगे 6 कौन से नंबर पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। अब 5 कौन से नंबर पे, 1, 2, 1, 2, 5, यहाँ पुट कर दो, 2 का 2 आ जाना। इसका दूसरा वे क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1s, 10s, 100s, 1000 लिख देंगे, ये 1000 प्लेस पे तो 1000 लिख दिया, ये 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस पे लिख दिया, मतलब पहला नंबर ये लिखना है, 10 प्लेस पे है तो ये लिख दिया, और 2 का 1s का 1s, 2 वेज बता दिए एज विश। ऐसे हमने पहला नंबर लिखा और उसके साथ कितने जीरो है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 0 का हम 0 ही लगा देंगे, ठीक है। अब 1, 2, 1 और ये 1, नहीं तो ये क्या जाएगा, 1s, 10s, 100s, 1000, मैं सेकंड वे बताने लगी हूँ, 1000 प्लेस पे कौन है, 7 लिख दिया, और ये क्या है, 100 है तो 100 का 0 आ गया, ये क्या है, 10s है तो 10s का 6 आ गया, और 1s का 1 आ गया, ठीक है। आगे देखो, 1, ये हमने डॉट लगा दिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 1 मतलब 0 का तो इसी की टर्न है, 10s प्लेस पे है तो यही आ जाएगा, और ये 1s प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, 2 लिखा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे हमने 3 पे नंबर लिख दिया, 1, 2, 1, 2 और 6, ये तो आपके पास सेकंड वे क्या है,
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये वंस नंबर पे है, ये टेंस नंबर पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है और ये थाउजेंड, पहला पहला नंबर। अब ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।